फाइन दोस्तों, तो अब हमने ये भी जान लिया है कि डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अगर मल्टीपल कैपेसिटर एक साथ कनेक्टेड हैं तो हम उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। ओके, पहले तो ये जान लीजिए कि कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। फाइन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ही हो, लेकिन जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है, उसकी कुछ यूनिकनेस होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सीरीज कनेक्शन में आप देखेंगे कि चार्ज जो है सारे कैपेसिटर्स में सेम होगा, और जब आप पैरेलल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होता है। तो क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं इसलिए हम उनकी अलग से स्टडी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो कनेक्शन हो कैपेसिटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सीरीज कनेक्शन की। भाई ये रहा एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इस तरह से मैंने तीन कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और इसको मैंने लगा दिया एक बैटरी के साथ। वी है ये C1, ये C2, ये रहा C3। ओके, अब यहां पे आप ये चीज देखिए कि भाई बैटरी ने इसको चार्ज सप्लाई किया तो समझ लीजिए इसके पास चार्ज गया क्यू, इसके पास कितना जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके पास माइनस क्यू ही जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। गॉस लॉ लगा के आप देख सकते हैं कि वहां पे माइनस क्यू ही आएगा। ओके, अब यहां पर कितना चार्ज आएगा दोस्तों, इधर यहां पे चार्ज निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लेट और ये प्लेट दोनों मिला के आइसोलेटेड है, मतलब कि ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ये किसी से कांटेक्ट में नहीं है। तो जो पहले चार्ज था इसके पास उतना ही चार्ज अभी भी होगा। तो पहले कितना चार्ज था, जीरो था, तो अभी भी जीरो होना चाहिए। ये माइनस क्यू है तो यहां पे प्लस क्यू आना चाहिए, तो सिमिलरली यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा और यहां माइनस क्यू आएगा, तो क्योंकि ये दोनों मिला के फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहां पर प्लस क्यू आएगा, और यहां प्लस क्यू है तो यहां पर तो माइनस क्यू आ ही जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस जब सीरीज में कनेक्ट होता है दोस्तों तो सब में इक्वल चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन की पहचान है कि चार्जेस ऑन ऑल कैपेसिटर विल बी हैविंग सेम वैल्यू, ओके, और जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर है वो नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर से कनेक्टेड रहेगी, ओके। अब मैं तीन कैपेसिटर एक साथ अगर मुझे डील करने हैं तो मेरे लिए सबसे सिंपलिस्टिक सिनेरियो तो ये है दोस्तों कि मैं सिर्फ एक ही कैपेसिटर रखूं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इन तीनों को ऐसे ट्रीट करूं कि एज इफ सिंगल कैपेसिटर है? कहने का ये मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कैपेसिटर सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, फाइन। तो क्या ऐसा हो सकता है भाई? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपने इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया सिंगल कैपेसिटर से, राइट। तो अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो सर्किट में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ यहां पर चेंज आया है। जो चेंज है दैट शुड नॉट बी फेल्ट बाई अदर सर्किट एलिमेंट अदर देन कैपेसिटर, ठीक है। और क्या है यहां सर्किट में, बैटरी है दोस्तों, बैटरी को पता नहीं लगना चाहिए। पता नहीं लगने चाहिए का क्या मतलब है यहां पर, यह मतलब है कि जो भी चार्ज यहां पे सप्लाई हो रहा है, समझ ली, यहां पे चार्ज क्या सप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ एक ही प्लेट है इससे कनेक्टेड, तो यहां से प्लस क्यू ही जाएगा, फाइन। उतना ही चार्ज यहां से भी जाना चाहिए, मतलब बैटरी को पता नहीं लगना चाहिए कि कुछ चेंज हुआ है, तभी तो बोलेंगे कि वो उसके इक्विवेलेंट है इन तीनों के, फाइन। तो यहां पे भी चार्ज प्लस क्यू आएगा और इधर माइनस क्यू आएगा दोस्तों, फाइन। तो जब सीरीज कनेक्शन होता है दोस्तों तो ना केवल जितने भी सीरीज कनेक्शन में उनमें चार्ज सेम होगा, बल्कि यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया उसमें भी वही चार्ज होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं वैल्यू सी इक्विवेलेंट की क्या है,
ओके ये जानने के लिए सबसे पहले आप यहां नंबरिंग कर लीजिए, ये पॉइंट नंबर वन, इसको टू बोल दीजिए, ये थ्री है और ये फोर है, ठीक है। आपने जब इन तीनों को एक सिंगल लिख दिया तो टू और थ्री तो गायब हो गए, लेकिन वन और फोर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइन। अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह से इसको डील करें। वी वन माइनस वी टू इज वॉट पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, उसके बीच में क्या है, कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर ही पोटेंशियल डिफरेंस ला सकता है इन दोनों के बीच में, और अगर कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस ला रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए क्यू बाई सी, तो यहां पर सी है सी वन, फाइन। और जो वी वन माइनस वी टू कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहा हूं, तो मतलब वन की पोटेंशियल टू से ज्यादा होगी, तो ये सही इक्वेशन है, ओके। सिमिलरली आप ये देखिएगा कि वी टू माइनस वी थ्री ये कितना है, क्यू बाई सी टू है दोस्तों, राइट। और वी थ्री माइनस वी फोर जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इतना है, राइट। और जब इन तीनों इक्वेशन को आप एड कर देंगे, ठीक है, इन तीनों को जब आप एड कर देंगे तो आप देखेंगे कि V2 कट गया, फाइन, और V3 भी कट गया, सिर्फ V1 माइनस V4 यहां पे बच रहा है, फाइन। इन तीनों को एड करने से आपके पास ये इक्वेशन आएगी, V1 माइनस V4 इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, फाइन। अब ये इक्वेशन तो आ गई आपकी इस सर्किट से, फाइन। और इस सर्किट को जब आप देखेंगे तो वन और फोर अनचेंज्ड है, तो v1 वन माइनस वी फोर इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी इक्वलेंट, राइट। तो जब इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 बाई सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री, फाइन। और अगर ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो आप बस इसको ऐड करते हुए चले जाइए, फाइन। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं अगर कैपेसिटर सीरीज में है, फाइन। ये इक्वेशन देख के आपको हो सकता है कि रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन वाली इक्वेशन याद आए, ओके। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ दो ही कैपेसिटर हैं, फाइन, अगर आपके पास दो ही कैपेसिटर हैं तो आप सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 बाई सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा दोस्तों वो होगा सी वन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, फाइन। ये इस केस में है जब दो ही कैपेसिटर हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू सी वन मल्टीप्लाइड बाई सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी टू मल्टीप्लाइड बाई सी वन बाई सी वन प्लस सी टू, फाइन। जब आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो ब्रैकेट में जो टर्म है वो लेस देन वन है, ये भी लेस देन वन है, और ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है ये भी लेस देन वन है, ठीक है। तो पहले केस में आपने C1 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो लेस देन वन है और पॉजिटिव है, और C2 को फिर आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि लेस देन वन है और पॉजिटिव है, और दोनों इक्वल हैं, फाइन। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C1 से भी छोटा होगा और C2 से भी छोटा होगा, फाइन। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है दोस्तों सीरीज कनेक्शन में, दैट इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स, फाइन। चलिए अब हम डिराइव करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो भाई पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है, ये रही बैटरी, ये कैपेसिटेंस सी वन है, ये सी टू है और ये सी थ्री है, और मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं तो ये जो आएगा इसको अगर मैं सी इक्विवेलेंट बोलूं तो वो कितना है इन टर्म्स ऑफ सी वन सी टू एंड सी थ्री, फाइन। अब आप देखेंगे कि भाई इसमें कुछ चार्ज जाएगा इस प्लेट में कुछ जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा, लेट्स से दिस इज क्यू थ्री चार्ज, यहां पे गया क्यू टू चार्ज,
फाइन, और यहां पे गया Q1 चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना दिया बैटरी ने, बैटरी ने दिया भाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज। तो यहां पर भी उतना ही चार्ज बैटरी को देना पड़ेगा तभी वो इक्विवेलेंट है। तो दिस विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फाइन। अब चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इस तरह से मैंने यहां पे जो हो रहा है उसको इस सर्किट से कनेक्ट कर दिया, फाइन। ये कनेक्शन है, राइट। अब ये जो Q है इसको मैं लिख सकता हूं C इक्विवेलेंट इंटू वी, Q1 को क्या ले सकता हूं C1 इंटू वी, Q2 को C2 इंटू वी और Q3 को C3 इंटू वी। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा दोस्तों वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, फाइन। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस होगी, ओके। चलिए अब कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, मेरे पास कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका C1, C2, C3, C4 आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके। अब देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट, और ये दोनों सीरीज है। तो इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पहले मैं सीरीज का निकाल, दोनों का इक्विवेलेंस कैसे, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C जो है आ जाएगा मेरा C1 C2 by C1 C2। तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और इन दोनों का इक्विवेलेंस है C3 प्लस C4। तो जाएगा C3 प्लस C4, राइट, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट। अब इन दोनों का इक्विवेलेंस निकालने के लिए मुझे फर्दर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस बार 1/C हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये C1 C2 न्यूमरेटर में चला गया प्लस 1/C प्लस C4। तो C इक्विवेलेंट आएगा आपके पास C1 C2 C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई जब आप इस आएंगे 1/C करेंगे यहां पर तो ये C1 C2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 प्लस C4। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा दोस्तों वो होगा C1 C2 C3 प्लस C4 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 C3 प्लस C4 प्लस C1 C2, फाइन। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ओके। अब हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी करते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास ये सिचुएशन है, ये C1 है, C2 है, ये C1 है, C2 है और ऐसे आप कनेक्ट करते चले जाते हैं और इनफाइनाइट कनेक्शंस हैं, फाइन। आप निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, फाइन। और क्योंकि ये इनफाइनाइट कनेक्ट होते हुए चला गया है तो अगर मैं एक यहां से पेयर निकाल भी दूं तो इन दोनों के बीच में आएगा C और D के बीच में,
जितना भी ए और बी के बीच में आ रहा है उतना ही सी और डी के बीच में भी आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, एक घट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, इसको सी वन लिख दिए, ये सी टू है, और यहां पर मैंने बोल दिया कि ये सी इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, ये रहा ए और ये। अब इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंस आएगा वो सी इक्विवेलेंस ही है। फाइन, इन दोनों सम के ये जो दो पैरेलल में है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा प्लस सी इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट इज इन सीरीज विद सी वन, तो इस तरह से दिखेगा सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट, ये रहा कनेक्शन। फाइन, और क्योंकि दोनों सीरीज में सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू सी वन इंटू सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट। फाइन, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों। तो सी इक्विवेलेंट सी वन प्लस सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर, फाइन, इक्वल टू सी टू प्लस सी वन इंटू सी इक्विवेलेंट। सो सी इक्विवेलेंट स्क्वायर सी टू इंटू सी, इस सर्किट पहले बना लीजिए, ये सी वन Fine. आपको निकालना है चार्ज ऑन सी थ्री, तो कैसे आएगा ये? अब इस सर्किट को पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टडी में होते हैं और वो कंटिन्यूअसली जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने की हड़बड़ाहट सब कुछ करते चले जाते हैं और एंड में उनको समझ में आता है कि सब और ही था। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों सीरीज में है, राइट, तो इन दोनों में जो है सेम चार्ज होगा और वो इन दोनों के इक्विवेलेंस में भी होगा। फाइन, तभी तो वो सीरीज कनेक्शन है, राइट। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, सी वन तो क्या ये कहना होगा कि पहले ये जो कैपेसिटर है इन दोनों का इक्विवेलेंस है, तो जितना चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें होगा, ये कहना सही है, राइट, तभी तो ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, राइट, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसको मैं इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं भाई, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वी सी वन सी फोर प्लस सी टू सी थ्री डिवाइड बाई सी टू प्लस सी थ्री, राइट। इसको समझ लीजिए, मैं इसको बोल देता हूं कि ये सी फाइव है। फाइन, तो अब सी फाइव और सी वन दोनों सीरीज में है, ओके, और ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम होगा, राइट, तो इन दोनों का इक्विवेलेंस निकाल के आप इसके अंदर चार्ज निकाल सकते हैं। फाइन, कैसे निकालेंगे चार्ज? सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट होगा आपके पास सी वन सी फाइव डिवाइड बाई सी वन प्लस सी, राइट, तो चार्ज हो जाएगा आपके पास सी वन सी फाइव डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी फाइव इंटू वी। ये चार्ज जो है इन दोनों के इक्विवेलेंस में है, मतलब सेम चार्ज यहां भी है और यहां भी है, राइट, तो आपने चार्ज निकाल लिया, तो क्या आप इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं वन और टू के बीच में? बिल्कुल, जो भी चार्ज आया डिवाइडेड बाई सी वन जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, सो क्यू डिवाइडेड बाई सी वन
जाएगा C5V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C5। ये क्यों निकाला? क्योंकि भाई मुझे दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस चाहिए, 2 और 3 के बीच में। ओके, वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए ताकि मैं चार्ज C4 और इस निकाल सकूं। क्यों निकालना है? क्योंकि जो भी चार्ज इसमें होगा वही इसमें और इसमें भी होगा। ओके, तो इसलिए मुझे पोटेंशियल की जरूरत पड़ रही है इन पॉइंट के बीच में। तो पहले तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, जो कि ये है, और V माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 3, राइट? तो V माइनस C5V डिवाइड बाई C1 प्लस C5, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3। कितना आएगा ये? C1V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C5, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, जो कि ये दोनों पॉइंट भी, राइट? मुझे चार्ज निकालना है इस कैपेसिटर पे। उस कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्यू इज इक्वल टू वी, सी फाइव है C2V, तो चार्ज आ जाएगा मेरे पास C1